कॉपी घर में होगी तो कार्ड बनवा लेते हैं। मैंने कहा चलो कार्ड बनवा लो। जो नंबर है वो बहुत पप्पू किस्म का नंबर लगा है, बहुत ही पप्पू किस्म का, क्योंकि जो मैं चाह रहा था वो नंबर तो नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, ये बिल्कुल के बाइक का नंबर लग गया है, रजिस्ट्रेशन आ गई है। मुझे परसों कॉल आई थी बंदे की ना कि नंबर लग गया है, तो आज वही जा रहे हैं उठाने। एक तो और काम है वो करते हैं, क्योंकि जो नंबर है वो बहुत पप्पू किस्म का नंबर लगा है, बहुत ही पप्पू किस्म का, क्योंकि जो मैं चाह रहा था वो नंबर तो नहीं लगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा नंबर है बहुत। क्योंकि कह रहा था कि यार कोई अच्छा नंबर लग जाए ना, तो वो एक दोस्त है उसने कहा कि यार कुछ करते हैं, तो फिर मैंने दोबारा पता भी नहीं किया ना उन्होंने कॉल किया। मैंने फिर कहा वो पता नहीं, वो जब गए थे तकरीबन कोई 10-12 दिन गुजर गए होंगे उस बात को, तो अभी चलते हैं देखते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि जो मैं नंबर चाह रहा था वो नहीं लगा, लेकिन ये नंबर भी बहुत अच्छा है बहुत। तो दिखाते हैं कि कौन सा नंबर लगा है बाइक को। तो और एक दो काम है, जो उस दिन शॉक्स उतारे थे पिछले, उनका पता करना है कि उनका क्या सीन बनता है। वो एक मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ उसका, सोचा एक जुगाड़ का, देखते हैं वो क्या बनता है, वो भी पता करते हैं अभी जाकर। गर्मी मुबारक हो, फरवरी मार्च में गर्मी फुल शदीद आ गई है और चिंची वालों ने फुल तंग किया हुआ है, फुल इतना रश किया हुआ है ना चिंची वालों ने, बेहद रश किया हुआ है सारा। कॉपी घर में होगी तो कार्ड बनवा लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो कार्ड बनवा लो, क्योंकि फिर बंदा ये ऐसे है ना जेब में आसानी से फिर सकता है, और वो जो है कॉपी फिर वो बंदा नहीं घुमा सकता। तो नंबर बहुत माशाल्लाह अच्छा लग गया है, ये अभी आपको दिखाता हूँ, तो मिलते हैं फिर। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अभी चलते हैं, वो जो शॉक्स उतारे थे वो उनका पता करते हैं इंशाल्लाह। मैं एक जुगाड़ लगाता हूँ कि यार हम जो लेते हैं न्यू इतने महंगे, मुझे किसी ने कहा कि ये बनते हैं जो शॉक्स पुराने होते हैं ना ये बनते हैं, फिर वो कह रहे थे कि यार ये जो बनते हैं ये फिर इतने लंबे नहीं चलते। तो शॉक्स वाले के पास जाते हैं, एक दोस्त है अपना ना, उनसे मालूम लेते हैं कि मैंने शॉक्स रख लिए हैं गाड़ी में, कि उसकी क्या सीन होता है, वो कैसे बनते हैं और कितना खर्चा आता है। मैंने कहा चलो ये बनवाते हैं, अगर मतलब न्यू के रेट में ना बने, क्योंकि आजकल चाइना वाले भी आ रहे हैं ना न्यू, वो मेरे ख्याल में 6-7 हज़ार के कितनी ऐसे न्यू आ जाते हैं, दो पिछले वाले, अगले वाले के मुझे रेट का पता नहीं है, वो मैंने लिए थे अगले, लेकिन वो पिछले साल लिए थे। तो अभी देखते हैं कि यार इनका क्या सीन होता है, बनते हैं नहीं बनते, या अगर बना कर सेल कर दें वो कैसे है? ऐसे तो हमारे काम के नहीं है पिछले दोनों शॉट, जाते हैं। नवे ना चैना वाले ते ए सर जे लथे इन्हें तो किस सीन होता है, ये वाला बढ़ते नहीं या नहीं बढ़ते? अच्छा गैस उन्हें नलवत के होंगे, उन्हें नलवाला चल वैन नहीं या नहीं चल? अच्छा कितना चल वैन है? उन्हें मैप वैन चैन आ गए नवे, वो इतने चल वैन जितने वो चल सके नवी शे नवी होंगे।
मतलब चैन वाले रे मैं पाते नो सब को अच्छे वाले पाते नहीं मैं नहीं जो मतलब ओके हल्के वाले नहीं चाके सी गैस भरो सही ए तो मतलब इन दे वाले ना ओरिजिनल इनेस ओरिजिनल ए नॉल वाले कंपनी वाले इन नहीं कंपनी वाले तो नहीं ए मेड इन मलेशिया मेरे ख्याल जरे मैं पाते नो ही मेड इन मलेशिया ओके क्यों चैन होंदे चैन है अच्छा जी तो इल्म में इजाफा ये हुआ है कि ऐसे में पता करता रहता हूँ तो एक्सपीरियंस होता है कि यार वो कह रहे थे कि 300 का गैस डलेगा इनमें जो कि मतलब चाइना का जो न्यू है उन वो तो मतलब ऐसे कि बजने तक चल गए जो ये है ये भी चल जाते हैं लेकिन इनमें गैस डलता है 300 का और फिर ये सेल भी हो जाते हैं तकरीबन भी 2000 के सेल हो जाते हैं जो कि 7000 के न्यू आते हैं तो ऐसे अगर सेल करो तो 200 के सेल होते हैं तो ये एक नया मतलब एक चीज़ पता चल गई है मैंने कहा चलो ये भी पता कर लेते हैं यार क्योंकि हम मतलब इतने महंगे महंगे शॉक डलवाते हैं अब मुझे आज पता चला है कि यार ये पुराने शॉक भी बनते हैं तो आदमी ये बना के डाल देता है तो ये इसका फ़ायदा ये कि ये ओरिजिनल होते हैं और वो चाइना वाले होते हैं न्यू बल्कि जो न्यू मतलब इसके ओरिजिनल है ना टोयोटा के जापानी वो 22000 के हैं 22000 के मतलब 22000 के दो पिछले वाले ये पता नहीं कि अगले कितने के हैं ये तो मैंने पता नहीं लेकिन ये एक है कि यार चलो बना के डाल दो क्योंकि हमारे रोड जो है डी आई खान के ये न्यू शकर भी यहाँ काम नहीं करते जापानी भी हो फिर भी क्योंकि यार रोड ख़राब है गलियाँ ख़राब है हर चीज़ ये है कि बस फुल ख़राब हुई पड़ी है जो मैंने तो इसलिए मैंने कहा चलो न्यू डाल दो चाइना के इनमें भी अब ये पता चला है कि ये भी बनते हैं ये भी बंदा बनवा सकता है तो सेल भी कर सकते हो बनवा के ये जो काबली सामान होता है जो हम काबली लेते हैं ओरिजिनल गाड़ियों का ये भी मतलब एक ये तो इंफॉर्मेटिव वीडियो बन गई है लेकिन ये भी जो काबली सामान हम लेते हैं ये भी दोबारा बनना होगा इनमें बहुत होता है शॉक्स होते हैं जो पाकिस्तान में बने होते हैं ज़रूरी नहीं जो वहाँ से बन के आते जैसे अब मैं अगर बना कर इनको दे दूँ काबली तो फिर ये वैसे बेच लेंगे कि यार ये काबली है दो कर और आयल शायल लगा कर बस ये काम चल रहा है पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल का सीन ये है कि कल चलते हैं उस पर सराइकी कल्चर डे पर सराइकी कल्चर डे पर चलते हैं और सराइकी में भी लॉग बनाएंगे क्योंकि सराइकी हमारी जबान है उर्दू तो हमारी कौमी जबान है लेकिन सराइकी जबान है बलोच कल्चर डे मनाया है तो सराइकी कल्चर डे भी मनाएंगे इंशाल्लाह और सराइकी में भी लॉग बनाएंगे तो कल इंशाल्लाह सराइकी में क्योंकि मुझे कमेंट तो नहीं करते लेकिन वैसे लोग कहते हैं यार सराइकी में भी लॉग सब कहते हैं दोस्त कहते हैं कज़न कहते हैं कि यार सराइकी में भी लॉग बनाओ तो इंशाल्लाह कल से मेरी तो ये देखता हूँ कि यार स्टार्ट करता हूँ सराइकी में व्लॉग ना कल से इंशाल्लाह कल वैसे भी सराइकी कल्चर डे सराइकी ही बोलेंगे व्लॉग में फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या पता मैं सराइकी में शुरू कर दूँ व्लॉग देखते हैं बाकी यार जो कमेंट कर रहे होते कि यार ये मतलब ये गाड़ियों के रिलेटेड या बाइक के रिलेटेड मैंने कहा यार और व्लॉग भी आएंगे जैसे अब यार ट्रैवलिंग व्लॉग आया है और ये कल्चर डे का व्लॉग आया तो भाई मेन बात ये मैं कह रहा था कि व्लॉगिंग में छोड़ने वाला तो नहीं हूँ ना क्योंकि यार मतलब हर किस्म के व्लॉग होते हैं ना वो जो दिन में बना करता है वही व्लॉग होते हैं ज़रूरी नहीं और गाड़ियों के इंफॉर्मेटिव व्लॉग बाइक्स के रिलेटेड व्लॉग मतलब डेली लाइव व्लॉग जो होते हैं ऐसे ही होते हैं ट्रैवलिंग व्लॉग कोई इवेंट आ जाए जैसे मतलब किसी कोई शादी होती है कोई और इवेंट होते हैं मतलब ईद हो गया हर किस्म के व्लॉग ज़रूरी नहीं जो तेज़ जलवाए या उससे भाई यार ये वो ये तो जैसे इंसान की मतलब नेचर होती है वैसे इंसान ही व्लॉगिंग करता है तो बस आज नंबर उठाना था रजिस्ट्रेशन का और शॉक्स का पता करना था
बाकी इंशाल्लाह आगे आगे इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग्स भी आएंगे, और बाकी आप बस सिर्फ तमाशा देखे होता क्या है। देखिए जो मैं चाह रहा था वो नंबर नहीं लगा, मैं मतलब राउंड फिगर में चाह रहा था 80-80 जैसे हो गए 70-70-50 भी, लेकिन नंबर ये भी ये देखें 48-48। ये जूम करो तो ये थोड़ा ब्लर करो, ये देखें FU 48 48। नंबर ये भी सही है, मतलब नंबर ये भी सही आजकल जैसे, क्योंकि जल्दी में लगा है नंबर, क्योंकि आजकल मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने वो की हुई है ना, तो मैंने कहा जल्दी बस नंबर लगवा लेते हैं। फिर भी बहुत अच्छा लग गया, वो जो था वो चॉइस नंबर था, उस पर टाइम लगता क्योंकि सीरियल जो चलती हैं उस पर फिर टाइम लगता है कि यार ये सीरियल आ रही है इस टाइम, तो ये था सीरियल में, मैंने कहा बस यही लगवा लेते 48 48। वो पता नहीं मेरे ख्याल में 2 महीने के बाद वो आएगा, वो मतलब वो सीरियल चलेंगी, तो ये नंबर भी सही है बस ठीक है। मैंने कहा नंबर हो यार ये भी अच्छा, इतना गया हुआ नहीं है 48 48, काफ़ी अच्छा नंबर। तो आज का यही व्लॉग था, मैंने कहा चलो चलते हैं और ये नंबर भी उठा लेते हैं, आपको साथ ले चलते हैं, कार्ड बनवा लिया है, बाकी शार्क्स का भी पता कि अब शार्क्स पे इंशाल्लाह मैं बनवा रहा हूँ, इन शार्क्स को बनवाऊँगा फिर रख लेंगे घर में ताकि फिर मतलब यूज़ बंदा कर लेता है। तो गर्मियाँ मुबारक हो सबको, गर्मी भी आ गई, शुरुआत हो गई गर्मियों की, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भाई को फॉलो भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।